बैरियर्स टू एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। जब हम बात करते हैं डेवलपमेंट की तो यहाँ पे इन द फॉर डेवेल्पमेंट एग्रीकल्चरल सेक्टर प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल हम कहते हैं कि एग्रीकल्चर तो यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर रोल कैसे प्ले करेगा कि एग्रीकल्चर सेक्टर मस्ट जनरेट अस प्रोडक्शन ओवर सबसिस्टेंस टू सप्लाई फूड टू द इंडस्ट्रियल सेक्टर फिर उसको लेबर भी रिलीज करनी है फॉर द इंडस्ट्रियल सेक्टर इट हैजू प्रोवाइड से इंडस्ट्रियल सेक्टर और फिर इसके साथ साथ इट हैज टू मेक कंट्रीब्यूट टू दार्केट फॉर द इंडस्ट्रियल गुड के एग्रीकल्चर तो कल्चरल सेक्टर शुड जनरेट डिमांड फॉर द इंडस्ट्रियल गुड्स और इसके साथ साथ एग्रीकल्चर आल्सो प्रोवाइड अर्न फॉरन एक्सचेंज लेकिन जब हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो वहां पर लैंड इज फिक्सड इन सप्लाई और जब लैंड आपके पास फिक्सड है तो इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चरल आउटपुट इट रिक्वायर्स राइजिंग प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर लेकिन जब आप एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इन डेवलपिंग कंट्रीज का कंपेरिजन करो वे द डिवेल्प्ड इकोनॉमीज तो वहां पे आप एक बड़ा आप कह लें ह्यूज डिफरेंस देखोगे बिटवीन द एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इन दी इन द डेवलपिंग कंट्रीज एंड इन द डेवलप्ड कंट्रीज अब अगर उसी चीज को मैं डिस्कस करूँ तो यहाँ पे इस टेबल में हम एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी रिपोर्ट करें फॉर यी नाइनटीन विद रेफरेंस टू कॉन्स्टेंट ऑफ ट्वेंटी फिफ्टीन कि यहां पे हमने आप कह लें वैल्यू एडेड पर वर्कर ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी रिपोर्ट की फॉर वर्ल्ड लो इनकम इकोनॉमीज मिडिल इनकम इकोनॉमीज एंड हाई इनकम इकोनॉमीज तो आप एक चीज यहां पे ऑब्जर्व कर सकते हो कि अगर मैं कंपेरिजन करूं लो इनकम इकोनॉमीज का विद हाई इनकम इकोनॉमीज तो आप कह सकते हो वहां पे ऑलमोस्ट आपके पास 50 टाइम्स डिफरेंस है इन दी एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी का फिर इसी पैटर्न पे अगर हम कंपैरिजन करें फॉर द फॉर द पीपल लिविंग इन साउथ एशिया हाई इनकम इकोनॉमीज तो ये जो डिफरेंस है दिस डिफरेंस इज ऑलमोस्ट ट्वेंटी टाइम्स डिफरेंस इन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इन साउथ एशियन रीजन इनकम इकोनॉमीज इज ऑलमोस्ट ट्वेंटी टाइम्स और ये जो आप कह लेंगे डिफरेंस इन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है इट कैन ऑल्सो एक्सप्लेन दैटेगराइजेशन ऑफ द इकोनॉमी जो आपके पास लो इनकम इकोनॉमीज हैं वहां पे एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी लेस है और जो आपके पास हाई इनकम इकोनॉमीज हैं देर एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इज मच हाई फिर इसी पैटर्न पे अगर मैं मिडिल इनकम इकोनॉमीज की बात करूँ तो उन मिडिल इनकम इकोनॉमीज में प्रोडक्टिविटी इज बेटर देन द लो इनकम इकोनॉमीज लेकिन हाई इनकम इकोनॉमी से उनकी भी कम है अब अगर हम यहाँ पे बात करें रीजन ऑफ लो प्रोडक्टिविटी देन देर आर नंबर ऑफ रीजन देर आर नंबर ऑफ रीजन दैट काजेज लो प्रोडक्टिविटी इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर अब वहां पे एक तो आपके पास आप कह लें देर आर सर्टन जियोग्राफिकल फैक्टर्स कि जी आपको नेचर ने कुछ रिसोर्सिस और बिकॉज ऑफ द नेचुरल इन्डोवमेंट इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अ पर्टिकुलर कंट्री टू ग्रो डिफरेंट टाइप्स ऑफ द क्रॉप क्या डिपेंडिंग अपॉन द क्लाइमेट दैट प्रिवेल्स पर्टिकुलर इकोनॉमी दे आर बाउंड टू प्रोड्यूस एग्रीकल्चरल आउटपुट डिपेंडिंग अपॉन देयर क्लाइमेटिक कंडीशन हाँ जी वहां पर फर्टिलिटी ऑफ सॉइल भी बड़ा रोल प्ले करेगी अब ये जो चीज है दैट इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ दी आप कह लें फार्मर तो वहां पे दे हैव दे आर बाउंड टू यूज द जियोग्राफिकल फैक्टर्स एज इट इज टू कैरी आउट द प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चरल आउटपुट फिर इसी तरह जो आपके बैरियर्स टू एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में है वहां पर लैंड लेबर रेशियो का भी बड़ा की रोल है देर सर्टन रीजन इन द इकोनॉमी वेयर लेबर टू लैंड रेशियो इज वेरी हाई क्या जी अगर मैं साउथ एशियन रीजन की बात करूं तो यहां पे आप कह सकते हो लेबर टू लैंड रेशियो इज वेरी हाई और लेकिन जब मैं इसी का कंपैरिजन करूं विद रेफरेंस टू रेफरकन रीजन तो वहां पे क्या है वहां पे आपकी लेबर टू लैंड रेशो लो है आप यूं कह लें या यूं कह लें देर इज हाई रेशियो ऑफ लैंड टू लेबर जिस अब साउथ एशिया में इफ देर इज हाई रेशियो ऑफ लेबर टू लैंड तो यहां पे टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी आप स्मॉल अमाउंट ऑफ कैपिटल के जी कोई फर्टिलाइजर वगैरह यूज करें तो इट विल इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ द एग्रीकल्चरल सेक्टर लेकिन जिस जगह पे आपके पास हाई रेशियो ऑफ लैंड टू लेबर है तो वहां पे आप कह लें बाई यूजिंग कैपिटल गुड्स कि जब वहां पे मेकनाइजेशन करें बिकॉज ऑफ दैट मेकनाइजेशन देर इज सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इन दी प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर फिर इसी पैटर्न पे जो आपके अर्बन बायसेज द डेवलपमेंट ऑफ द अर्बन एरियाज तो ये भी क्या करते हैं इट आल्सो रिजल्ट्स इन द बैरियर्स फॉर द एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट अब अर्बन प्राइसेस क्या हैं तो यहां पे हम यूजुअली एग्रीकल्चर प्राइसेस को लो रखते हैं किसके लिए फॉर टू फेवर द इंडस्ट्रियल एंड अर्बन सेक्टर्स फिर जो हमारी कन, in वो भी बड़ी कंसनट्रेटेड है बायस पॉलिसी फार्मोलेन कि जब आप कंसनट्रेट इंडस्ट्रीज in in में और एग्रीकल्चरल सेक्टर को इग्नोर करोगे तो अगेन क्या होगा इट हैज इंपैक्ट ऑन दी एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी फिर जो आपके पास टैक्स इंसेंटिव और सब्सिडीज हैं ये भी आप कह लें मोस्टली आप इंडस्ट्रियल सेक्टर को जब दोगे अगेन हैव सम इंपैक्ट ऑन दी एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। फिर जो आपके पास ओवर वैल्यूड एक्सचेंज रेट है बिकॉज ऑफ दैट ओवर वैल्यूड एक्सचेंज रेट आपकी जो प्राइसिस ऑफ इंडस्ट्रियल इनपुट हैं दो प्राइसिस ऑफ इनपुट विल बीकम लो देखिए जो डोमेस्टिक प्राइस ऑफ एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स हैं बिकॉज ऑफ दैट ओवर वैल्यूड एक्सचेंज रेट वो भी क्या हो जाएंगी लो हो जाएंगी अगेन देयर इज लेस इंसेंटिव टू फार्मर टू ग्रो और टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर फिर वहां पे टैरिफ एंड कोटर प्रोटेक्शन भी हैं इंडस्ट्री के लिए बिकॉज ऑफ दैट टेरिफ एंड कोटर प्रोटेक्शन आपके पास प्राइसिस ऑफ फर्टिलाइजर और सीड्स क्या हो रही हैं इट इंक्रीजे और जब वो इंक्रीज होंगी तो अगेन इंपैक्ट कहां पर आएगा ऑन द एग्रीकल्चरल सेक्टर फिर आपकी ग्रेटर स्पेंडिंग्स हैं इन दी अर्बन एरियाज ऑन एजुकेशन हाउसिंग एंड न्यूट्रिशन तो ये सब भी क्या करेंगे इट आल्सो अफेक्ट्स द प्रोडक्टिविटी फिर जब आप बात करते हो अनफेयर फिर इसी पैटर्न पे बिकॉज ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ द अनफेयर कंपटीशन इट आल्सो रिजल्ट्स इन अ बैरियर्स फॉर फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इन द डेवलपिंग इकोनॉमीज के जब आप के व, जब आप एग्रीकल्चर में जो आपके पास डेवलप्ड इकोनॉमीज है दे आर प्रोवाइडिंग सब्सिडीज टू एग्रीकल्चर

तो ओवर प्रोडक्शन भी कहां पे वो डंप करेंगे अगेन दे विल डंप इट इन डेवलपिंग कंट्रीज और इसका इंपैक्ट इंपैक्ट कहां पे आएगा इट विल द द इफेक्ट फार्मर्स ऑफ दिस डेवलपिंग कंट्रीज फिर जब आप हम रूरल सोसाइटीज को डिस्कस करें डेवलपिंग कंट्रीज में तो जो उनका आप कह लें स्ट्रक्चर है वो भी कुछ यूजली डिवाइड द सोसाइटीज इन डेवलपिंग कंट्रीज अंडर दब हेडिंग ऑफ के रिच लैंड ओनर्स के वहां पे कुछ आपके पास बड़े अमीर किस्म के लैंड ओनर्स भी होंगे और उसके साथ साथ वहां पे आपके पास स्मॉल फार्मर्स भी होंगे शेयर क्रॉपर्स भी होंगे टेनेंट्स भी होंगे और लेबरर्स भी होंगे अब ये जो दूसरी कैटेगरी है आपके पास आपके रूर रूरल सोसाइटी में ये क्या है दे आर पुअर पीपल दे हैव लो दे हैव वेरी लो इंसेंटिव टू चेंज और दे आर वेरी मच रिलेक्टेड टू कैरी नेसेसरी चेंजेस टू इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी कि जब आप पेशेंट्स की पेशेंट्स की बात कर रहे हो या टेनेंट्स की बात करते हो दे आर मोस्टली एट द मार्जिन ऑफ सब्सिस्टेंस जी जब वो मार्जिन ऑफ सब्सिस्टेंस पे होंगे दे आर नॉट टेकिंग एनी टाइप ऑफ द रिस्क टू इनहस द प्रोडक्टिविटी ऑफ देयर क्रॉप्स बेसिकली दे आर रिस्क कवर्स जब आपको प्रोडक्टिविटी इनहस कर रही है इट रिक्वायर्ड सर्टन चेंज लेकिन ये जो आपके पास पुअर क्लास और पुअर क्लास है इन द रूरल सोसाइटी

रिस्क और वो अपने आपको कह लें दे फील मोर स्क्योर वेन दे कैरी आउट ट्रेडिशनल फार्मिंग अगर मैं इन सबको अब आप कह लें कि अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ बैरियर देर आर नंबर ऑफ बैरियर इन आर डिक्रीज इन एग्रीकल्चर डिवेल्पमेंट क्या देर आर बैरियर फॉर एग्रीकल्चर डिवेल्पमेंट वहां पर वो जो बैरियर हैंट रिजल्ट इन लो प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर इसमें आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड का भी रोल आएगा इसमें आपके पास पॉलिसी फॉर्मुलेशन दैट दैट आर आप कह लें कि मोर फोकस टूवर्ड द अर्बन एरिया उसका भी रोल आएगा फिर जो आपके पास इंटरनेशनल मार्केट में अनफेयर कंपटीशन है इट आल्सो है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इन इकोनॉमीज़